Guys, Speed Garage is back. In today's video I will tell you about wiring harness of a car radio or a stereo. अगर आप car stereo या car जो radio होता है हमारा उसकी wiring का जो harness है हमारा ये इसका आप समझना चाहते हो कौन सी तार किस लिए होती है, red wire किस लिए, black wire किस लिए है, और ये steering wheel remote wire क्या होती है, तो आपके लिए ये video beneficial रहेगी। वीडियो को एंड तक आप जुड़े रहिए और बी शॉर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो आगे ना टाइम लेते हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। ये जो हमारा वायरिंग हार्नेस है इसमें सिंपल कनेक्शंस है, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है ये। सबसे पहले मैं आपको मेन कनेक्शंस के बारे में बताता हूँ। इसके जो हमारे कार रेडियो का हार्नेस होता है वो कुछ इस तरीके का रहता है। और अगर हम रहे मेन कनेक्शंस की, जो हमारे मेन कनेक्शन रहते हैं इसकी पावर ऑन करने के लिए, वो हमारी ये 3 वायर्स होती हैं, रेड, ब्लैक एंड येलो। ये जो येलो वायर होती है हमारी डायरेक्टली बैटरी से कनेक्ट होती है, इसको हम मेमोरी वायर भी कहते हैं। और रेड वायर इज़ फॉर इग्निशन, वो अपनी कार जब इग्निशन पे करते हैं तब इस वायर को करंट मिलता है। एंड ये कॉमन ग्राउंड, ये हमारा ऑलवेज नेगेटिव करंट गाड़ी का जो ग्राउंड होता है उस पर कनेक्टेड रहता है। और हम बात करें इस ऑरेंज वायर की, ये ऑरेंज वायर का आपको मैं यूज़ बताता हूँ। ये बेसिकली हमारी इल्यूमिनेशन कंट्रोल लाइट है। अब मैं इसको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। ये बेसिकली डे एंड नाइट लाइट के लिए हमारा काम करता है स्टीरियो का। जैसे हमारे दिन में स्टीरियो में काफ़ी ब्राइटनेस आ रही है, रात को वो आंखों में ना लगे, तो ये वाली लाइट हम, ये वाली तार हम जैसी लगाएंगे, हम अपनी कार की लाइट्स जैसी ऑन करेंगे ये डल हो जाएगी हमारी यहाँ पर लाइट इल्यूमिनेशन। इसका मतलब डे नाइट में ये डिम हो जाएगी ब्राइटनेस इसकी ऑटोमेटिकली। इस वायर को अगर हम अपने पार्किंग वाली तार के साथ लगाएं, स्टीरियो में पीछे ऑप्शन होता। और अब हम मेन जो स्पीकर वायर्स होती हैं वो बताता हूँ मैं आपको। ये हमारी फ्रंट, लेफ्ट, रियर, वो ली सारी वायर्स हैं, ब्लैक, वाइट, ग्रे। ये जो ब्लैक जिस पे ऐसे बना हुआ है ये हमारी नेगेटिव की तार है, और ये प्लेन वाली पॉजिटिव की। फ्रंट लेफ्ट, फ्रंट राइट, रियर राइट, रियर लेफ्ट। और ये हमारे हो गए स्पीकर से कनेक्शन, और ये हमारे मेन स्टीरियो का टर्न ऑन करने के कनेक्शंस। अब ये जो हमारे रेस्ट कनेक्शंस रह गए हैं आपको मैं इसका यूज़ बताता हूँ क्या है। जो हमारे स्टीयरिंग व्हील में कंट्रोल्स दिए होते हैं, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, कॉलिंग के लिए, कुछ कुछ स्टीरियोज में कॉलिंग ऑप्शन होता है, हमारे कॉलिंग वाला नहीं है। इसमें हमने वॉइस बढ़ानी है, गाना चेंज करना है, ये वाली हमारी बार उस लिए यूज़ होती है। अगर आपकी कार कैपेबल है ऐसे स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल की तो आपको उसमें वायरिंग मिल जाएगी इस वायर की। और ये जो हमारी रिमोट वायर होती है आपको मैं दिखाता हूँ, रिमोट आउटपुट ओनली, ये हमारी अगर आप कार में एम्पलीफायर लगाना चाहते हैं तो ये उसमें यूज़ होती है। एम्पलीफायर में हमारा एक REM रैम करके होता है जिसको हम रिमोट इनपुट मांगते हैं, और ये हमारी रिपोर्ट की आउटपुट है। ये वायर हमारे एम्पलीफायर में लगती है। अगर आप इसका यूज़ देखना चाहते हैं मैंने इस पर वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं, आई बटन में लिंक दे दूँगा आपको मैं। बाकी ये वाली जो तार हमारी रह गई है, ये जो हमारी मैरून वाली तार, ये वाली आपको किसी किसी स्टीरियोस में ही मिलेगी, सब में नहीं मिलती ये तार। ये हमारे सिंपल कनेक्शन अब इसमें लग जाएंगे। अगर आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो बी श्योर इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल मेरा, और नई वीडियोस जानने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और आपको कोई वीडियो चाहिए किसी टॉपिक के रिलेटेड तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड। We'll be right back.